बिहार प्रदेश सचिव संजीव सुमन ने भूखे को कराया भोजन। जहां एक तरफ के पाठक स्कूल की व्यवस्था सुधारने में लगी हैं, तो वहीं भागलपुर में स्कूल टाइम में छात्रों से शिक्षिका मांगती हैं चाय। भागलपुर के तंबाकू व गुटखा गोदाम में लगी भीषण आग, पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल। बैंक मैनेजर को अपराधियों ने मारी गोली, स्थिति नाजुक। इश्क में ठोकर खाई युवती खा रही दर्दर की ठोकर, नहीं मिल रहा कोई इंसाफ। और अब खबरें विस्तार से। बिहार प्रदेश सचिव संजीव सुमन ने भूखे को कराया भोजन। गरीबों की थाली में निवाला पहुंचाने का हवाला देते हुए सरकार हमेशा वाहवाही लूटती रही है। कम कीमत पर गरीबों को अनाज मुहैया कराए जाने के नाम पर भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा तिलिस्म चल रहा, जिससे खासकर गरीब मजदूर की थाली में निवाला नहीं पहुंच रहा है। इसकी तस्वीर शहर में उल्टा पुल, रेलवे स्टेशन परिसर, प्लेटफॉर्म, भेराइटी चौक, खलीफाबाग चौक आदि जगहों पर गरीबी का दंश झेलते हुए भूख से करा रहे लोगों की लंबी फहरिस्त देखने को मिलती है, जहां गरीब भूखे बेबस 2 जून रोटी के लिए भी तरस रहे हैं। ऐसे ही जरूरतमंदों के बीच बीती रात सामाजिक कार्यकर्ता सह MIM प्रदेश सचिव संजीव सुमन अपनी टीम के साथ पहुंचकर उनका हालचाल जानते हुए उन्हें भोजन कराया। उनकी थाली में भोजन पहुंचते ही उनके चेहरे खिल उठे। भोजन कर उन्हें आत्मसंतुष्टि मिली, जिसे देखकर पार्टी के भागलपुर जिलाध्यक्ष हाजी शाहीन, युवा सह संयोजक जोहर शाहिद, छात्र नेता नवेद आरफी, नुमान शोहरत, कृष्णा संतोष आदि को काफी सुकून मिला। जहां एक तरफ KK पाठक स्कूल की व्यवस्था सुधारने में लगे हैं, तो वहीं भागलपुर में स्कूल टाइम में छात्रों से शिक्षिका मंगाती हैं चाय। बच्चे पढ़ने जाते हैं स्कूल, प्रिंसिपल मैडम मंगवाती हैं चाय। बिहार में शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने को लेकर अपर सचिव KK पाठक के द्वारा लगातार शिक्षा व्यवस्था की बेहतरी को लेकर लगातार आदेश जारी किए जा रहे हैं। एक तरफ जहां KK पाठक स्कूल में बच्चों की शिक्षा को लेकर लगातार सजग है, वहीं दूसरी ओर सरकार शिक्षकों की नियुक्ति कर रही है कि बच्चे अच्छे से पढ़ें। वहीं स्कूल नहीं आने वाले बच्चों का स्कूल से नाम भी काटा जा रहा है। वहीं दूसरी ओर भागलपुर के पुलिस लाइन स्थित राजकीय मध्य विद्यालय, पुलिस लाइन नगर निगम के क्षेत्र स्कूल की प्रिंसिपल ज्योति कुमारी की करतूत तो देखिए। प्रिंसिपल मैडम ने 6th क्लास के पढ़ने वाले 2 बच्चों को चाय लाने के लिए भेज दिया, और वहीं जब रिपोर्टर की नजर दोनों बच्चों पर पड़ी तो चाय बनवा रहे थे। तभी रिपोर्टर ने पूछा कि स्कूल ड्रेस में हो, चाय किसने लाने के लिए भेजा है? तो बच्चों ने बताया कि स्कूल के प्रिंसिपल मैम ने चाय लाने के लिए भेजा है, और ग्लास में गर्म चाय लेकर वापस स्कूल मैडम के पास पहुंचा। वहीं जब रिपोर्टर ने मैडम से पूछा कि उन्होंने बच्चों को चाय लाने के लिए स्कूल टाइम में क्यों भेजा, तब उनकी बोलती बंद हो गई और वो झूठ बोलने लगी कि उन्होंने बच्चों को चाय लाने नहीं भेजा। वहीं बच्चा साफ तौर पर बोल रहा है कि ज्योति मैडम ने चाय लाने के लिए बोला था। वहीं दूसरी तरफ मैडम बच्चों की बात से इनकार करती नजर आईं। जब शिक्षिका ही बच्चे को चाय लाने के लिए स्कूल टाइम में भेजती हैं, तो समझा जा सकता है कि बिहार में शिक्षा व्यवस्था कितनी सुधर सकती है। अब देखने वाली बात यह है कि इस मामले पर शिक्षा विभाग के अधिकारी क्या कार्यवाही करते हैं। कहाँ पे है? कहाँ है अभी? कौन भेजा है? मैम भेजिए। क्या नाम है मैम का? ज्योति कुमारी। किस क्लास में पढ़ते हो? 6th क्लास। 6th में स्कूल चालू है अभी? हाँ। चाय लाने के लिए रोज भेज रहा है? नहीं, कभी कदा। अभी एगो कभी ना भेजे, आज ही भेजे। वो एगो आदमी आया। कौन आदमी आया? वो पेपर सब चेक कर रहा है, आप जाकर देख लीजिए। पेपर स्टाफ नहीं है? हाँ। तुमको क्यों भेजा है? पता नहीं, वो लोग का खेल रहे थे तो मैम बोली कि जाओ चाय लेके। क्या लेने के लिए भैया? क्या नाम हुआ तुम्हारा? हाँ, किस क्लास में पढ़ते हो? 6th क्लास। घर कहाँ पे है? कौन मोहल्ला में? चिल्का मोहल्ला। बच्चा खेल रहा था, कौन गया काम तो नहीं जाऊँ। आपके पास चाय लेके आया? अब चाय लेके आया, क्या लेके आया? हम यहाँ पर देख रहे हैं, लिख रहे हैं। हाँ। बच्चा वहाँ खेल रहा। बच्चा साफ तौर पर कह रहा है कि आप चाय लाने भेजे थे। अब क्या बोल गया? हम आप देख ही रहे। चाय किसके लिए? चाय के लिए नहीं, हम
कोई नहीं चाय पीता है। तो इस बच्चा अपने से चाय लेके आया ग्लास में? बच्चा को हम खेलने भेजे हैं। आपके सामने रखा है? देखिए वहाँ फील्ड में सब बच्चा है। क्या नाम हुआ आपका? ज्योति कुमारी। प्रिंसिपल हैं आप जी? कहाँ गए थे? कचहरी चौक। क्लास चल रहा है अभी? नहीं, अभी हम लोग खेल रहे थे वहाँ। बच्चा लोग तो पढ़ रहा है टाइम पे? अभी वहाँ खेल रहा है। हम लोग को सर बोले तो खेलो अभी। पढ़ने ना आए हो? स्कूल की चाय लाने आए हो? चाय लाने तो नहीं, पढ़ने आए। कौन भेजता है चाय लाने? कौन लाने भेजता है? आज ये तो भेजे थे और कभी नहीं। कौन भेजा? मैं भेजी थी। क्या नाम हुआ तुम्हारा? राजीव। कौन क्लास में हो? सिक्स क्लास में। सिक्स क्लास है। मैडम का? ज्योति कुमार। भागलपुर के तंबाकू और गुटखा गोदाम में लगी भीषण आग, पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल। भागलपुर के गुटखा गोदाम में भीषण आग लग गई। ये गोदाम गिरधारी शाह हटिया के सामने भवानी बिल्डिंग में चल रहा था। अनुमान लगाया जा रहा है कि ये आग शॉर्ट सर्किट से लगी है। आग इतनी भयावह थी कि आग पर काबू पाने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। आग की लपटें आसमान छू रही थी। देखते ही देखते पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल हो गया। लोग इधर उधर भागते नजर आने लगे। तभी इसकी सूचना फायर ब्रिगेड को दी गई और तब जाकर फायर ब्रिगेड की दो गाड़ी मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। अनुमानतः इसमें व्यवसायी को लाखों रुपए की क्षति हुई है। आग लगने से इस गोदाम में रखे मसाला, पापड़, चिप्स, बड़ी जैसी कई सामान जलकर राख हो गए। हालांकि इसमें किसी तरह के जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ है। बता दीजिए आप, शॉर्ट सर्किट से किस चीज का गोदाम था? किस चीज का गोदाम था? खैनी का। खैनी का। क्या नाम हुआ आपका? रवि। बैंक मैनेजर को अपराधियों ने मारी गोली, स्थिति नाजुक। एक तरफ प्रशासन अपराध पर लगाम लगाने के लिए कई हथकंडे अपना रही है, वहीं दूसरी ओर अपराधी बेलगाम होते चले जा रहे हैं। आज जमुई ग्रामीण बैंक में असिस्टेंट मैनेजर के पोस्ट पर कार्यरत 45 वर्षीय वेद प्रकाश रेणुका को जमुई ग्रामीण बैंक से संग्रामपुर घर वापसी के क्रम में अपराधियों ने कान के नीचे गोली मारकर घायल कर दिया। ये घटना तकरीबन 7 बजे शाम की है, जब नकाबपोश अपराधियों ने बिलहर संग्रामपुर के पास असिस्टेंट मैनेजर वेद प्रकाश रेणुका के पास आकर छिनतई करना चाहा। तभी अपराधियों का विरोध करने के क्रम में अपराधियों ने मैनेजर वेद प्रकाश रेणुका को कान के नीचे गोली मारकर घायल कर दिया, जिसका इलाज जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल मायागंज में चल रहा है। इसकी स्थिति काफी नाजुक बनी हुई है। गौरतलब हो कि ये घटना होते ही वेद प्रकाश रेणुका ने घायल अवस्था में ही अपने मोबाइल से स्थानीय किसी व्यक्ति को फोन किया और उसे बुलाया। जब तक लोग आते तब तक उनकी स्थिति काफी नाजुक बन चुकी थी। आनन फानन में परिजनों ने उसे भागलपुर मायागंज अस्पताल इलाज के लिए लाया। मैनेजर वेद प्रकाश प्रत्येक दिन अपने बैंक जमुई से घर वापस आया करते थे और आने के क्रम में अपने ग्राहकों से तहसीलदारी भी किया करते थे। अनुमान लगाया जा रहा है कि अपराधियों ने पहले से पैसा व मोटरसाइकिल चलाने की योजना बना रखी हो। प्रशासन जाने से पहले हम लोग पहुँच गए हैं। इस सब को लेकर के प्राथमिक उपचार के लिए सरकार अस्पताल आए थे, वहाँ पर प्राथमिक उपचार देकर के रेफर किया गया है। क्या बताएं तो कैसे गोली लगा, कौन मारा था? अभी तो पहचान नहीं हो पाया है, लेकिन तीन लोग थे, तीन लोग थे और ये बाइक पे थे। रोज आते थे जम्मू से? जम्मू ही दिग्गी ब्रांच में है, मैनेजर है। कोशिश तो वही है कि हमको लग रही चिंता करने का सर जैसे बताया, लेकिन डायरेक्ट कंपनी मारा गया है। क्या लगता है बैंक का भी कुछ प्रॉब्लम हो सकता है सर? क्या हम किसे बता सकते हैं, तो सही बताइए। कलेक्शन वलेक्शन भी करते थे जाते मैनेजर? नहीं, ये तो मैनेजर है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सतीश दास। क्या है? कहाँ पोस्टेड थे? ये जम्मू जिला। क्या चीज हुआ है? कनपट्टी पर कोई अज्ञात अपराधी से गोली मारी। क्या चिंता की घटना को ये कहा नहीं जा सकता है? हाँ, कहाँ पर हुआ घटना? संग्रामपुर के आसपास। मैंने वहाँ जम्मू से लौट रहे थे घर अपने के। हाँ, जम्मू के आने के क्रम में। क्या नाम है? वेद प्रकाश। आपका? राकेश। इश्क में ठोकर खाई युवती खा रही दर दर की ठोकर।
नहीं मिल रहा कोई इंसाफ। पहले पति को छोड़कर ससुराल से भागी, अब फरेबी प्रेमी ने भी दिया प्यार में धोखा। इश्क में हम तुम्हें क्या बताएं किस कदर चोट खाए हुए हैं, ये गाना तो आपने सुना होगा। ऐसा ही कुछ मामला भागलपुर के एक चारी से सामने आया है। हर पिता का शौक रहता है बेटी की धूमधाम से शादी करें, वैसा ही एक पिता ने अपनी बेटी को शादी कर ससुराल भेजा। उस पिता को क्या पता था कि उसकी बेटी एक ही महीने में ससुराल से घर वापस आ जाएगी, यहाँ तक तो क्षम्य था। उसके बाद उसकी बेटी ने प्यार में अपनी प्रेमी से मंदिर में जाकर शादी कर ली और मात्र 4 दिन उसके साथ रही। 5वें दिन उस धोखेबाज प्रेमी ने लड़की को उसके घर वापस भेज दिया। अब वो लड़की ना तो पहली शादी वाले ससुराल में रह पाई, ना ही उसका प्यार उसको अपनाया। अब वो अपने लाचार वृद्ध पिता के साथ अपने इंसाफ के लिए थानों के दर बदर की ठोकर खा रही है। ना तो एकचारी थाना उसकी कोई फरियाद सुन रहा है, ना ही वरीय पुलिस अधीक्षक। भटकते हुए उस लाचारी युवती ने क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं इस खबर में। क्या हुआ बेटी के साथ? बेटी के साथ तो जो वही बताया वो हम बोले नहीं कि परीक्षा दिन मैंने देता और वो अपना जाता हूँ, और उसके बाद जो है उसका माए बाप ने खूब गाड़ी गलोज दिया। हमको शादी भी कराए थे किसके साथ? वो हम तो पहले अलग कराए थे, ये जो भागा उनके साथ जाके शादी कर लिया रूम में। पहले भी शादी कराए थे इससे? आनंद गांव में। क्या करता था वो लड़का? लड़का क्या करता था? अरे अभी तो कर दिया किया था, वो गया था एक दो शादी की कर दिए थे पहले। हाँ फिर भाग गई। भाग गई तो उनके साथ मेरा कहना था कि आप तब ले गए उनको कागज पत्र बना के दे दिए पंचनामा कागज, भाग गई तक जाके रखो तुम उसके पास। वो क्या बोला? धमकी दे दिया। क्या है? क्या मारने पीटने का धमकी दिया उसका? अलीगंज मंडल की माँ जो है किरण देवी, पति हराम मंडल और विकास मंडल भी नाम है उसका बेटा का। अधिकारी जाने क्या बोल रहा है? वो थाना पर तो गए, बहुत से बात कहे लेकिन सुनवाई नहीं हुआ। कोई सुनवाई नहीं? नहीं लिखने पड़े क्या तो लिखा पड़ा क्या हल्का कोता। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम बसंत मंडल। अब क्या चाहते हैं आप? हम तो उन्हीं को चाहते हैं कि जब तुम गई तो उनके साथ जाकर शादी ब्याह करो। क्या चाहते हैं? जब इज्जत मेरा रही बेने किया, घर में रही बेने किया, हम साधु आदमी थे, सत्संग भजन करते थे, और क्या बताएंगे हम। क्या नाम हुआ आपका? मेरा बसंत मंडल नाम। क्या हुआ? नीरज कुमार से प्यार करते थे, ये बोला कि हम शादी करेंगे रखेंगे। बीस तारीख को रात में लेके गया बारह, वहाँ पे फिर आए थे कमरे में, 23 तारीख को शादी किया और बोला रखेंगे दीजिएगा। फिर 24 तारीख को हमको अपने उसके घर वाला सब मिल गया पहुँचा दिया अपने मम्मी को पास। बोला कितने दिन रखा अपने साथ? 4 दिन शादी करके 4 दिन रखा। हाँ। इससे पहले भी आपकी शादी हो चुकी थी? हाँ। इसको क्यों छोड़ दिया? हम इससे प्यार के चलते इसको छोड़ दिया। पहली शादी कहाँ हुई थी आपकी? पहली शादी जो हुई थी उनके साथ कितने महीने रहे आप? 1 महीना। उसको छोड़ के फिर आ गए अपने घर। अभी क्या चाहते हैं? किसके साथ? इसके साथ क्या करते हैं? विचार नहीं करता क्या? कीजिए नहीं करके खाना केस के क्या हो बहुत हल्ला कर। आप देख रहे हैं लोकल टीवी न्यूज 24/7, सब पर नजर, सबकी खबर।